वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज ऑफ इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम जो होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो आज हम इस लेक्चर वीडियो में इम्यून सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेनिज को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, वो होता है बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स किसको बोलते हैं, अगर हम देखेंगे जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं, इसके जो ऑर्गन्स होते हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं ना, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मैचुरेशन होती हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स बोन मैरो में हो जाएंगे और टी सेल्स थायमस में हो जाएगा। तो उस जहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा लिम्फोसाइट्स का, उन ऑर्गन्स को बोलेंगे हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो ये बोन मैरो जो होता है, यहाँ पे बी सेल्स का जो ओरिजिन जो होता है या मैचुरेशन जो होती है यहीं पे होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो बी सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इन बोन मैरोज में बी सेल्स की ऑरिजिन या मैचुरेशन होती है। तो ये जो मैचुरेशन जो होती हैं बी सेल्स, इस बी सेल्स की इस बोन मैरो, ये तब होती हैं जब हम पैदा होते हैं। मतलब आप जब बर्थ होती है उसके बाद जो बी सेल्स जो होती हैं इनकी मैचुरेशन बोन मैरो होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे बर्थ, मतलब बर्थ से पहले क्या होता है, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, तो तब जो होती हैं जो बी सेल्स जो होती हैं इनकी जो मैचुरेशन या ओरिजिन कहाँ पे होता है, यॉर्क सैक या फेटल लिवर जो होता है, वहाँ पे जो बी सेल्स जो होते हैं इनकी जो ओरिजिन होता है या ये मेन साइट्स होते हैं बी सेल की मैचुरेशन या ओरिजिन के। इसके बाद जो दूसरा ऑर्गन आता है इम्यून सिस्टम का, वो होता है थायमस। थायमस क्या होता है, ऐसा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे टी सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं या ओरिजिनेट हो जाते हैं। टी सेल्स का मतलब क्या होता है, टी सेल, टी मीन्स थायमस, ठीक है ना। तो ये जो होता है थायमस जो होता है, थायमस से टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनकी ओरिजिनेशन या मैचुरेशन हो जाती है। थायमस क्या होता है, हार्ट के ऊपर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है। तो उस वो जो ऑर्गन जो होते हैं वो बायलोबल स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हम देखेंगे जैसे बर्थ होती हैं, बर्थ के टाइम पे जो होता है जो बच्चे जो होते हैं, तो ये जो थायमस होता है काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी में हो जाते हैं बच्चे, तो वो जो होता है थायमस जो होता है वो रिड्यूस होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत मैक्सिमम टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे ही ज़्यादा ज़रूरत होती है टी लिम्फोसाइट्स। इसलिए जो थायमस जो होता है वो लार्ज होता है बच्चों में, और जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो थायमस जो होता है वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन जो होता है स्प्लीन होता है, ये लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एंटीजन जो होता है काउंटर, मतलब अटैक करेगा, या एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे बॉडी में जो इन ऑर्गन्स में बनते हैं, ये काउंटर अटैक करेंगे एंटीजन्स को, ठीक है ना। तो उन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये बीन शेप्ड होता है, साथ में क्या है यहाँ पे एंटीबॉडीज सिंथेसाइज हो जाते हैं। फिर जब वो सिंथेसाइज हो जाते हैं फिर वो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में आता है। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन में कौन कौन से लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन, कोई माइक्रोब आएगा ब्लड में तो उसको फिल्टर करने के लिए जो स्प्लीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसके बाद जो आता है लिम्फ नोड्स, जहाँ पे भी लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फैटिक वेसल्स, लिम्फैटिक सिस्टम जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे
सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। तो ये जो लिम्फ नोड्स जो होते हैं इसमें लिम्फोसाइटस होते हैं, BNT लिम्फोसाइटस, इसमें मैक्रोफेजस होते हैं, ठीक है ना, और डेंड्राइटिक सेल्स। इन डेंड्राइटिक सेल्स मैक्रोफेजस, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इनका क्या रोल होता है। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए जो लिम्फ नोड्स जो होते हैं इनमें लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजस होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। तो जैसे एंटीजन इसमें मतलब आता है, एंटीजन का अटैक होता है, फॉरेन मतलब कोई पैथोजन आता है, तब क्या होते हैं ये एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना, ये लिम्फ नोड मतलब फूल जाते, स्वेल हो जाते, क्योंकि ये क्या बनाते, एंटीबॉडीज़ बनाते, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनाते, तो उससे क्या होता है ये एनलार्ज होते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है माल्ट। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसा, एम का मतलब क्या होता है म्यूकोसा, ए का मतलब होता है एसोसिएटेड, और एल का मतलब होता है लिम्फॉइड, टी का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऐसे लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है, या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जो हमारा यूट्रस मतलब यूट्रस होता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे ये इस तरीके के जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी होता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, MALT, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें से 50% जो होता है वो यही होता है MALT, ठीक है ना। LO का मतलब होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो ये जो MALT जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है BALT ब्रोंकस, बी का मतलब क्या होता है ब्रोंकस, बाकी वही होता है, ए का मतलब होता है एसोसिएटेड, एल का मतलब होता है लिम्फॉइड, टी का मतलब होता है टिश्यूज। तो ब्रोंकस जो होता है जहाँ पे इस मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रोंकस में, लंग्स में, ठीक है ना। इसी तरीके दूसरा टाइप होता है गाल्ट, जी गाल्ट का मतलब क्या होता है गट, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये जो मतलब हमारे डिफरेंट डक पोजिशन में जो माल्ट होगा वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं GALT, फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है ना, प्योरस पैचेस होते हैं, ये भी क्या होते हैं लिम्फॉइड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं। जो प्योरस पैचेस जो होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इलियम होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हमें ये इन्फेक्शन से, कोई इन्फेक्शन होगा तो ये वहाँ पे फाइट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।